फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था। देखिए, इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, न्यूज़पेपर में लिखा है नाउ एंटासिड मस्ट कैरी किडनी इंजरी वार्निंग। मतलब अब जो भी एंटासिड्स हैं जो कि आप एसिडिटी को हटाने के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे कि मैं आगे आपको बताऊँगा ब्रांड, वो सारे ब्रांड्स के ऊपर एक वार्निंग लिखी जाएगी कि ये किडनी को इंजरी कर सकते हैं, मतलब किडनी को दिक्कत कर सकते हैं ये लॉन्ग टर्म यूज़ पे। तो आगे पढ़ते हैं पूरा आर्टिकल। इन अ बीआईडी टू प्रमोट अ पेशेंट सेफ्टी, वाइडली सोल्ड एंटा एसिड्स एंटी एसिडिटी पिल्स विल हेयर ऑन नीड टू कैरी अ साइड इफेक्ट वार्निंग ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी एज अ पार्ट ऑफ देयर पैकेज इंसर्ट लीफलेट्स। मतलब एंटा एसिड जो टैबलेट्स और कैप्सूल्स वगैरह हैं उनसे एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, मतलब आपकी किडनी पे इसका नुकसान हो सकता है, किडनी दिक्कत कर सकती है। तो उसी कारण से बचने के लिए अब जो नए पैकेज इंसर्ट्स आएंगे, जो नया पैकेजिंग आएगी इसकी, उसके ऊपर ये वार्निंग मेंशन होगी कि इट कैन कॉज एक्यूट किडनी इंजरी। मतलब इससे अब एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है अगर आप इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करें। रीसेंट ग्लोबल स्टडीज़ ऑन एंटासिड पिल्स पॉप फॉर ट्रीटिंग गैस एंड हार्ट बर्न हैव पॉइंटेड आउट दैट देयर कैन बी सीरियस एडवर्स इवेंट्स ड्यू टू देयर प्रोलॉन्ग यूज़ लाइक लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज, एक्यूट रीनल डिजीज एंड क्रोनिक किडनी डिजीज एंड इन सर्टेन केसेस गैस्ट्रिक कैंसर। न्यूज़पेपर की माने तो ग्लोबल स्टडीज़ ये सपोर्ट कर रही हैं कि किस तरीके से एंटी एसिडिटी पिल्स जो कि गैस और हार्ट बर्न में यूज़ करी जाती हैं सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स दिखा रही हैं प्रोलॉन्ग यूज़ पे, यानी लंबे टाइम तक अगर इनको यूज़ किया जाए तो किस तरीके से किडनी की डिजीज़, यहाँ तक कि किडनी का कैंसर तक होने की संभावनाएँ हो रही हैं। Since these reports are mostly restricted to nephrology journal, many physicians may not be aware of these adverse effects, expert point out. क्योंकि इस तरीके की जो किडनी से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर नेफ्रोलॉजी जर्नल के अंदर ही प्रकाशित की जाती हैं, जिसकी वजह से फिजिशियन कई बार इसके लिए अवेयर नहीं हो पाते हैं। US based nephrologist Dr. Pradeep Arora, who has published global research in BMC nephrology, told TOI PPIs should be ideally prescribed in the approved indications. मतलब जो उनका अप्रूव इंडिकेशन है जिसके अंदर उनको यूज़ किया जाना चाहिए, सिर्फ उसी इंडिकेशन के अंदर इनको यूज़ करना चाहिए, फालतू नहीं यूज़ करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल लेस देन 8 वीक्स, बियॉन्ड विच इफ़ अ पेशेंट इज स्टिल ऑन PPIs द किडनी फंक्शन एंड द मैग्नीशियम लेवल नीड मॉनिटरिंग। मतलब अगर 8-8 हफ्तों से ज़्यादा उसको यूज़ किया जा रहा है तो उसके पेशेंट के किडनी फंक्शन और मैग्नीशियम लेवल की जांच रेगुलरली करते रहना चाहिए। न्यूज़पेपर में इन्होंने कुछ टॉप 5 ब्रांड्स भी बताए हैं इन मेडिसिन्स के, लाइक पैंडी, पैन, पैंटॉप डी, पैंटोसिड डी एंड पैंटोसिड। हालांकि ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि ये ब्रांड बिल्कुल ही यूज़ नहीं करे जाने चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि इनके जो रिकमेंडेड इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर इनको यूज़ किया जाना चाहिए उसमें ही इसको यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा कि आपको कब तक इसका यूज़ करना है और कितनी डोज में करना है। इसी तरीके की बातें मैं आपको बताता रहता हूँ कि कभी भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। ये मेडिसिन जो बताई गई हैं वो यूज़ करी जाती हैं, आगे भी करी जाएंगी, लेकिन सिर्फ एक एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस में ही इनको यूज़ करा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर ये इंश्योर कर सकते हैं जब भी हम पोस्ट करें अपना वीडियो तो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।